हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आप देख रहे हैं माइलस्टोन्स। तो टुडे इज स्पेशल व्लॉग फॉर वैलेंटाइन स्पेशल। सो अभी चलते हैं पैसिफिक मॉल। तो ये देखिए, फैमिली में एक नए मेंबर का आगमन हो गया है और ये अभी दिख नहीं रही है। ये हैं जूली। अभी हम दिखाते हैं, ये देखिए जूली। तो बस चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं पैसिफिक मॉल की चमक धमक इन देहरादून। बस देरी नहीं करते और फिर करते हैं। पैसिफिक जा रहे हैं अभी और ये अभी हम आईटी पार्क के पास पहुंचे हैं सरदारा रोड पे। पैसिफिक यहाँ से अभी हार्डली बस 1 किलोमीटर आई गेस होगा और ये हमारे घर से काफ़ी शॉर्टकट वे है पैसिफिक जाने के लिए। अगर हम रायपुर से जाते हैं तो हमें ये शॉर्टकट पड़ता है सरदारा रोड से निकल कर जाना, मतलब तपोवन से सरदारा होते हैं। और अगर हम लॉन्ग वे चूज करते हैं तो वो फिर है राजपुर रोड होके घंटा घर होके हम पूरा घूम के जाते हैं। बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं पैसिफिक में और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ की चकाचौंध आज की स्पेशल। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि पैसिफिक मॉल अभी बंद है। मैं सॉरी, एक्चुअली उसका वीडियो शूट करना भूल गया हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से मैं रोक नहीं पाया वहाँ पे। तो पैसिफिक मॉल बंद है, मे बी संडे की वजह से या फिर वैलेंटाइन डे पे क्राउड इकट्ठा ना हो ज़्यादा, उस वजह से मॉल एक्टिविटीज़ बंद कर रखी हैं। हम एक और क्रॉस रोड मॉल देखने जा रहे हैं जो ओल्ड सर्वे रोड पे है। तो अगर वो भी बंद निकला देन उसके बाद वी विल चूज़ रेस्टोरेंट एट चक्राता रोड। सो चलते हैं और देखते हैं। तो ये है राजपुर रोड जो आप देख सकते हैं क्राउड कितना भरा हुआ है इस वक्त यहाँ पे। टाइम हुआ इस वक्त 9 बज चुके हैं और चलिए फिर चल के आपको जल्दी से दिखाते हैं कि फाइनली हमने कौन सा रेस्टोरेंट चूज़ किया फॉर द डिनर। फाइनली बड़ी मुश्किल से चूज़ हुआ है और अभी हम जा रहे हैं बाजी वाह में। तो क्योंकि बाकी तो मॉल वॉल सब बंद ही हैं तो अब हमने सोचा कि कहीं कुछ तो डिनर करना ही है तो बाजी वाह ही चलते हैं। तो अभी चलते हैं बाजी वाह। पूजा हो गई है, बहुत बढ़िया। बाजी वाह में हमने बैठ के भी खाना खाया और तो
खाना अच्छा था, टेस्टी था। एक्चुअली बैठे पहले नवीन में थे, बैठे पहले नवीन वेज में थे, बट वहाँ की थोड़ी सर्विस में बहुत इशू था कि वो लोग अटेंड नहीं कर रहे थे। इवन उन्होंने ऑर्डर नहीं लिया और हमको बैठे बैठे आधा घंटा हो गया था, जिसकी वजह से हमने प्लान कैंसिल किया वहाँ से। और फिर हम बाजीवा में आ गए, यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी थी और बहुत ही जल्दी फास्ट उन्होंने ऑर्डर लेते ही हमको सर्व भी कर दिया। तो बस अब फाइनली चलते हैं और कुछ देखते हैं। बढ़िया आप क्या बोलोगे नवीन वेज के बारे में? नवीन वेज की हाँ सर्विस बहुत स्लो है, और बाजीवा बहुत अच्छा था। हाँ बाजीवा अच्छा, सर्विस अच्छी है एंड फुल एंजॉय। अच्छा आपने देखा वहाँ पे ना कपल, ओल्ड एज वाले कपल आए थे वैलेंटाइन डे ना, ओल्ड एज कपल हस्बैंड वाइफ, वो अच्छे लगे। मैं नाना वो दिन खुश थे दोनों। बस गाइस अभी चलते हैं स्वीट्स का मजा लेते हैं, और अभी देखते हैं कुमार स्वीट खुला बंगाली मैंने देखा बंद था, तो अभी चलते हैं।